हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड टू बी बैक। सो यू गाइस आर ऑलरेडी नोटिसिंग कि थोड़े दिनों से मेरे पिक्चर्स की क्वालिटी इंस्टाग्राम पे काफी अच्छी हो चुकी है। मेरे फोटोज पॉपी एंड शार्प, कॉन्ट्रास्ट उनका बढ़कर, जितना भी मेकअप वगैरह है वो बहुत एनहांस होकर दिखता है। सो गाइज, इन बिटवीन यू ये कमेंट करके कहा कि प्लीज हमें भी अपने कुछ बेस्ट एडिटिंग एप्स शेयर करो, ताकि हम भी अपने फोटोज अच्छे से एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पर डाल सके या जहां पर भी डालना है वहां डाल सके। सो फाइनली मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट माई मोस्ट फेवरेट फोटो एडिटिंग एप्स, जिनका यूज करके यू कैन एनहांस यूअर ब्यूटी एंड मेकअप इन योर फोटोज। एंड मैं जितने भी एप्स बताने वाली हूँ, इनका मैं लाइव आपको रिजल्ट शो करने वाली हूँ कि फोटोज कैसे थे एंड इनका यूज करने के बाद कैसे हो गए। सो कौन कौन से है वो एप्स, जानने के लिए आखिरी तक कीप कंटिन्यू वॉचिंग इट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बात करते हैं सबसे पहले एंड माई मोस्ट फेवरेट फोटो एडिटिंग एप के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है अ फ्यू ऑफ माय वीडियोस, तो दैट इज अडोब लाइटरूम। इट इज अ बेस्ट फोटो एडिटिंग ऐप अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर आपके पिक्चर की क्वालिटीज, आप क्लियरिटी, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, वाइब्रेंट, स्टफ लाइक दैट आप क्रिएट कर सकते हो, अपने फोटोज में डाल सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज इसमें एक कलर करेक्टिंग का ऑप्शन है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी पिक है एंड इसमें आपको कुछ कलर करेक्शन करने हैं या फिर कलर्स को एनहांस करने हैं, तो आप इस कलर करेक्टिंग ऑप्शन पे जाके अपने उन पर्टिकुलर कलर्स को एनहांस कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, जिससे आपके फोटो में ना उस कलर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आपके फोटोज में आपका स्किन कलर ब्लैक लग रहा है या डल लग रहा है, तो आप इस कलर करेक्टिंग ऑप्शन में जाकर ऑरेंज कलर को ज्यादा कर सकते हो। ज्यादा करने से आपका स्किन टोन ना ऑटोमेटिकली ब्राइटन हो जाता है, एनहांस हो जाता है। कम करोगे तो कम हो जाएगा, स्किन थोड़ी सी डार्क लगने लगेगी। सो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस के साथ में खेल सकते हो। देन इस पे एक और ऑप्शन है जिससे आप अपने फोटोज के नॉइस रिडक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि अपना फेस जो है वो क्लीन नहीं लग रहा है या सॉफ्ट नहीं लग रहा है, तो आप इस ऑप्शन पे जाके उसको बढ़ा सकते हो जितना आपको चाहिए उतना। बिफोर एंड आफ्टर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको एडोब लाइटरूम में मिल जाते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा फोटो आपका एडिट कर सकते हो। सो बिफोर एंड आफ्टर आप देखकर समझ सकते हो कि फोटोज कैसे थे एंड मैंने फोटोज को क्या बना दिया। सो इट इज अ बेस्ट ऐप। अगर आपको फोटोज अच्छे करने ना, तो ये वाला ऐप तो मस्ट है गाइस। नाउ सेकंड ऐप में आता है PixArt, which is my favorite, क्योंकि PixArt में भर भर के आपको options मिल जाते हैं, चाहे वो filter के options हो, चाहे आपके face beauty को करने का हो, आपके body को shape करना हो, tone करना हो, आपके hairs को color करना हो, photos के background को change करना हो, photos को cut out करना हो, and so on, n number of options आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा tutorial मैं आपको दिखा रही हूँ, आप वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि PixArt में ना हम अपने फोटोज को सेव करने के बाद फोटोज की क्वालिटी कम हो जाती है। सो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसका यूज करने से आपके फोटोज की क्वालिटी बहुत ही कम खराब होगी। सो आपको करना ये है कि जब आप पिक्चर एडिट हो जाता है आपका, आपको जाना है ये ड्रॉ वाले ऑप्शन पे, एंड ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाके आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना है एंड देन सेव करना है। तो आपकी फोटो सेव हो जाती है आपके गैलरी में। आप खुद से ट्राई करके देख लेना कि डायरेक्ट सेव करने में और ऐसे सेव करने में आपके फोटोज की क्वालिटी कितनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। सो इट इज अ बेस्ट ट्रिक। अगर आपको अगर आप इसलिए PixArt का यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके फोटोज की क्वालिटी गिर रही है, इसलिए तो ये वाला ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अनादर वन, PixArt में ऐसे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप यूट्यूबर हो तो थंबनेल बनाने के लिए PixArt इज बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर कटिंग के साथ में प्रीसेट मिल जाता है कि आपके थंबनेल का साइज कितना होना चाहिए, कितना बाय कितना हाइट और ब्रेथ होना चाहिए। आप वहाँ पे ऑप्शंस लगा सकते हो, कटआउट्स लगा सकते
सकते हो, फोटोज के ऊपर फोटोज को लगा सकते हो, आप टेक्स्ट लिख सकते हो एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शंस है. तो पिक्सार्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट एडिटिंग एप्स. नाउ थर्ड पोजीशन में आता है माय फेवरेट वन. ये ना ऐसे लोगों के काम में बहुत ज्यादा आने वाला है जो कि अपने फोटोज में अपने ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं, अपने मेकअप को ज्यादा शो करना चाहते हैं, विच मीन्स जो कि मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मतलब कोई भी, अगर आपके मेकअप को आपको एनहांस करना है तो फेस ट्यून से ज्यादा अच्छा ऐप आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता. मैं बात कर रही हूँ फेस ट्यून 2 ऐप की. इसमें आपको मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. यहाँ पे आप मेकअप अपने फोटोज में आई शेडोज क्रिएट कर सकते हो, अपने फाउंडेशन बेस को चेंज कर सकते हो, अपने बालों के कलर को चेंज कर सकते हो, अपने आई कलर को चेंज कर सकते हो, अपने लिप्स के कलर को चेंज कर सकते हो एंड सो ऑन. अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीदते हो तो इसमें तो और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. मैं अपने फोटोज को जनरली फेसट्यून 2 से कैसे एडिट करती हूँ इसका भी ट्यूटोरियल आप देख लो. तो गाइस फेसट्यून में मैं ये वाला फोटो एडिट करने वाली हूँ. आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं अपने फोटोज को स्मूथ कर लेती हूँ ताकि जो भी टेक्सचर है वो सारी चीजें इवन हो जाए. बेस को चूज कर रही हूँ एंड यहाँ पर एक लाइट शेड लेकर मैं अपने एज अ फाउंडेशन जैसे अपने स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ सारी जगहों पर. अच्छे से ऐसे क्लोज क्लोज करके आपको करना है ताकि सारी जगहों पर अच्छे से लग जाए. एक डार्क कॉन्टोरिंग शेड लिया है मैंने और उसको एज अ कॉन्टोर मैं यूज कर रही हूँ अपने चीक्स पर एंड थोड़ा नोज पर भी करूंगी ताकि नोज भी स्लिम लग सके. यहाँ पर मैंने लाइनर को एनेबल किया है एंड आप देख सकते हो स्ट्रोक स्ट्रोक बना के मैं अपने आईब्रोज को शार्प कर रही हूँ, एजी कर रही हूँ. आगे की ओर एक डार्क ब्राउन कलर लिया है एंड आप देखो कि ये कितना नेचुरल बट परफेक्ट लग रहा है. इसके बाद मैंने लिया है शेडो जिससे हम आई शेडो में जो कलर्स है उनको और ज़्यादा पॉपी बनाएंगे. ट्रांजिशन शेड्स लिए हैं मैंने लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, उनको यूज़ किया है एंड सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद मैंने लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क किया, लैशेस को थोड़ा सा एनहांस किया एंड फोटो कुछ इस तरीके की है. नाउ गाइज इसके बाद हम आते हैं फोर्थ वाले ऐप पे जो कि है स्नैपसीड. स्नैपसीड में तो आपको अगर फिल्टर्स लगाना अपने फोटो पे अच्छा लगता है तो स्नैपसीड इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा ही फिल्टर्स होंगे क्योंकि इतने सारे फिल्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर फोटो एंड इसमें इतने सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं. आप फोटोज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, आप फोटोज की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो, आप फोटो में एक्सपोजर को अलग ही लेवल पे एडिट करके ले जा सकते हो. सो इसका यूज मैं उतना ज्यादा नहीं करती हूँ स्नैपसीड का. जब मुझे फिल्टर्स लगाने की जरूरत होती है मैं तब स्नैपसीड का यूज करती हूँ. सो आप भी स्नैपसीड का यूज कर सकते हो गाइज. गाइज फिफ्थ वाला जो फोटो एडिटिंग ऐप है दैट इज मोशन लूप. ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने फोटोज में मोशन लाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी है जिनके अंदर में, कुछ अलग करने का है फोटोज के अंदर में. तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसेंशियल्स जो है उनको डाला है. यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टिकर जैसे उन एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो. मैं इस गैलेक्सी लुकिंग मिल्की वे को इसमें ऐड कर रही हूँ एंड इसको और ज़्यादा ओरिजिनल लगाने के लिए आप इसमें ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो. तो आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि वो उसके सराउंड में हो रहा है एंड थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स को मैं ऊपर नीचे करके लगा रही हूँ ताकि फ़ोटो जो है और ज़्यादा एनहांस हो जाए. नाउ नेक्स्ट मैं इसमें से चूज़ करूँगी ये वाला ऑप्शन जिसमें कि बहुत सारे बटरफ्लाइज या फिर गैलेक्सी या फिर ऐसे लगेगा कि बारिश हो रही है. तो मैं इस बटरफ्लाई वाले को चूज़ कर रही हूँ. इसका थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दूंगी एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइज. आप इससे यूज़ करके फ़ोटो में जो है मोशन को प्रोवाइड कर सकते हो. सो ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पर क्वालिटी को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो. सो ये जो फोटो एडिटिंग एप्स है मेरे हिसाब से द बेस्ट है. आपके फोटो को ये 0 से लेकर
10 लेवल पर पहुंचा देता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कैसे कैसे अपने फोटोज को एडिट करती हूँ, तो मैं जनरली सबसे पहले अपने फोटो को फेसट्यून से एडिट करती हूँ। फेसट्यून में मैं अपने एनहांस कर लेती हूँ ब्यूटी वगैरह को, जो भी मुझे स्किन कलर का फाउंडेशन चाहिए, आई शेडोज चाहिए एंड ऑल। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ एडोब लाइटरूम में, वहां पर जाकर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देती हूँ। ऑटोमेटिकली आपके कलर जो है वो और ज्यादा पॉपी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा अपने फोटोज को और ज्यादा कलर करेक्शन कर लेती हूँ। एंड इसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड को मुझे फोटो के चेंज करना है, तो फिर मैं पिक्सार्ट में जाके कटआउट वाला ऑप्शन एनेबल करके अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला फोटो कुछ इस तरीके का था एंड एडिट करने के बाद कुछ इस तरीके का हो चुका है। तो मुझे पता है कि इससे आपको भरपूर मात्रा में हेल्प तो मिला ही होगा। तो उस हेल्प की खातिर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू देयर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लेके आने वाली हूँ। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक सूझ रहा है या आप मुझसे चाहते हो, तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं डेफिनेटली वो वाले टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊंगी। एंड यहाँ बहुत सारा पसीना निकल रहा है मुझे, अभी मैं जाके नहाने वाली हूँ। सो या घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खाइए पिए, चुस्त तंदुरुस्त रहिए एंड वैक्सीन लगा लेना। ओके एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।